नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि भैया डीएड आईडीडी क्या सभी के लिए, ये आपका क्या है, कॉमन पेपर है, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि भैया सेकेंड ईयर का डीएड आईडीडी एचआई और वीआई सभी का ये कॉमन पेपर है, पेपर नंबर 10 जिसको हम लोग बोलते हैं, और जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो इसके यूनिट 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे और देन आपका सारी यूनिट मैं धीरे धीरे आपके एग्जाम के दिन तक मैं कवर करा दूंगा। बात हो रही भैया यूनिट 1.1 की, तो कह रहा है विविधता का अर्थ और अवधारणा। बात होगी भैया डाइवर्सिटी की, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक और संस्कृति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो आपको अलग अलग विविधताओं का देखने को मिलेगा, उसमें किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई विविधता, कोई ना कोई विशेषता आपको देखने को मिलेगी। कहेंगे विविधता से तात्पर्य समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं संस्कृति रूप से अलग रहने वाले मनुष्य के एक समूह, समाज या एक विशेष स्थान जहां पर वो साथ साथ निवास करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, विविधता के अंतर्गत आता है। कहेंगे विविधता का अर्थ, जहां पर किसी भी समूह, संगठन, समाज के भीतर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं और अंतरों की उपस्थिति से हो। यानी कि अगर हम बात करें तो कहते हैं भैया हम लोग रहते हैं अपने भारत में, और भारत क्या है, अपना विविधताओं का देश है, जहाँ पर सभी प्रकार के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी की संस्कृति अलग अलग, सभी की भौगोलिक दशाएं अलग अलग, फिर भी वो एक समूह में अपने भारत में रहते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी कहलाती है विविधता, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। यहां पर कोई जाति अलग हो सकती है, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक आधार अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी कहां कहां पर आपको मिलेंगे, ये सभी आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही जगह पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे, साथ साथ निवास करेंगे, एक समाज का और विशेष रूप से साथ साथ निवास करेंगे, तो यही आपके क्या कहलाएंगे, विविधता कहलाएगी, जहां पर प्रजाति, जाति, लिंग, सामाजिक और आर्थिक, आयु, शारीरिक क्षमताएं, धार्मिक विश्वास, सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक साथ में निवास करेंगे, एक स्थान पर साथ में निवास करना आपका क्या, विविधता के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं विविधता के अर्थ की, तो कहेंगे विविधता का अर्थ एक व्यापक और समावेशी शब्द है, जो विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जहां पर कहेंगे भाई किसी भी जाति का बच्चा हो सकता है, किसी भी जनजाति का बच्चा हो सकता है, जिसका रंग, उसका वंश, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत जो है, उसकी भाषा जो है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। किसी भी लिंग का बच्चा हो सकता है, उसकी लिंग की पहचान करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, जो पुरुष महिला पारस्परिक संबंध को समझ पाए। किसी भी आयु का हो सकता है, आयु समूहों में अंतर, जो अलग अलग जीवन अनुभव के दृष्टिकोण को अपनाता हो। यौन अभिविन्यास हो सकता है, भाई कोई भी विषमलिंगी हो सकता है, समलिंगी हो सकता है, उभयलिंगी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। शारीरिक क्षमताएँ भी अलग अलग होती हैं, कोई भैया क्या होता है, काफ़ी दुर्लभ होता है, कोई शारीरिक रूप से जिसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी की मानसिक रूप से क्षमता अच्छी होती है, तो सभी में क्या है, विविधता पाई जाती है, सभी में समावेशन जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अलग अलग होती है, भाई कोई किसी समाज से, किसी के पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी के पास वित्त की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके अनुभव बहुत कम है, अवसरों को प्रभावित कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम लोग संस्कृति पृष्ठभूमि की भी बात करें, तो किसी की परंपराएं, रिवाज और जो भी उसके नैतिक मूल्य हैं, उनमें भी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम अवधारणा की बात करें,
तो कहेंगे कि भैया इनके सब में हम क्या कर सकते हैं, एक बहुआयामी अवधारणा या बहुपक्षीय अवधारणा जो है वो आपकी विविधता के रूप में शामिल होती है, जिसमें अंतर की पहचान होती है, यानी कि उसको समझना, उसको स्वीकार करना और व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की पहचान और अनुभवों में अंतर करना। विविधता से ही हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग बहुलवादी और बहुसंस्कृतिवादी देशों में हमें ये देखने को मिलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति दूसरे संगठन से, एक संगठन दूसरे संगठन से क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन उनकी प्रजाति, उसके धर्म क्या होते हैं, एक साथ में उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के रूप में क्या करते हैं, एक साथ में निवास करते हैं। प्रजाति, आयु, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीय उत्पत्ति और धर्म, लैंगिकता, ये सभी जो हैं यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। सम्मान और समावेशन देखने को मिलता है, इन विभिन्नताओं को महत्व देना, भाई अब सभी विभिन्नता के लोग एक साथ में एक जगह पर हैं तो उनको भी सम्मान रहता है कि भाई देखो हम अलग तो हैं लेकिन भैया हमको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम एक साथ भी रह रहे हैं। सम्मान और समावेश मिलेगा, विभिन्नताओं को महत्व मिलेगा और यह एक ऐसे वातावरण को सम्मानित करता है। भाई विभिन्नताओं को क्यों महत्व मिल रहा है कि सभी लोग यहाँ पर हैं, सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं, तो जो विभिन्नताएं हैं उनमें जो अलग अलग प्रथाएं हैं उनमें क्या है कि वो सभी एक साथ में रह रहे हैं, तो विभिन्नताओं को भी हमें समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और कोई सम्मानित और समावेश जो होगा वो महसूस कर सकेगा, उसकी पृष्ठभूमि जो होगी वो बेहतर होगी। न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा, सभी के लिए उचित व्यवहार, पहुंच, अवसर, इनको सुनिश्चित करना, इसकी मान्यता को बेहतर बनाना और विभिन्न आवश्यकताओं और बाधाओं को बेहतर करना। महत्व क्या होगा, तो कहेंगे भैया महत्व में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भाई जब सभी प्रकार के लोग मिलेंगे तो सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलकर के नई चीज़ों का निर्माण करेंगे, उसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा, नई नई चीज़ों को भी सीखने का जो है उनको अवसर मिलेगा। समस्या समाधान भी मिल जाएगा, जब सभी लोग एक साथ में रहेंगे तो सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और भैया वैश्विक रूप से विभिन्न तरीके से समुदाय को बेहतर कर सकेंगे और एक ऐसे समुदाय का निर्माण करेंगे जो बच्चे के लिए सीखने को बढ़ावा दे, उनकी विभिन्न संस्कृतियाँ, उनके विचार, उनके अनुभव, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बढ़ावा मिल जाएगा। संगठनों को मजबूत करना, विविध और समावेशी संगठन को अधिक लचीला बनाना, उनके लिए अनुकूलन बनाना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी बनाना। विविधता का अर्थ अवधारणा विभिन्नताओं को पहचानने और उसके महत्व से है, उसके आधार पर समावेशी और न्याय संगत वातावरण बनाने में या केवल प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं बल्कि ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देगा जहाँ पर कोई योगदान कर सके, सफल हो सके और विविधता का एक संगठन या समाज की जो समृद्धि है उसको सृजनात्मक और सामूहिक रूप से उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सके, यही लाभ आपको देखने को मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों भैया ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है और एग्जाम का समय है, तो भैया वहां पर लिंक आपको सारी की सारी जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी मैं लिंक भी वहां पर आपको शेयर कर देता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जिससे कि आप लोगों को सभी जानकारियां मिलती रहें। बात करते हैं शिक्षार्थी विविधता की। हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि, प्रत्येक बच्चे का अनुभव, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग, और जब प्रत्येक बच्चे का अनुभव, उसकी आवश्यकताएं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी क्षमता अलग अलग होगी तो हमको देखने को मिलेगी कि बच्चा भैया याद भी जो है वो अलग अलग तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं विविधता के पहलू में कहेंगे शैक्षिक क्षमताएं, यानी कि हर छात्र की सीखने की क्षमता। कोई छात्र तेजी से सीखता है, कोई छात्र धीमे सीखता है, कोई छात्र निरंतर सीखता है, कोई छात्र ज़्यादा समय लेता है, कोई छात्र कम समय लेता है। इसकी भाषाई विविधता, भाषाई पृष्ठभूमि, मातृभाषा की शिक्षा, उसकी सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की पृष्ठभूमि, जहाँ पर विभिन्न संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि आती है, जो संस्कृति, परंपराएं, मूल्य और सीखने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, जहाँ पर शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ में उसके विशेष समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी, जिसमें छात्रों की आर्थिक स्थिति, उसके लिए शैक्षिक अवसर, इन संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब कहते हैं कि भाई जब हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीख रहा है तो उनकी सीखने की शैलियाँ भी अलग अलग होंगी, लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होगी। जब उनमें विविधता अलग अलग है, बच्चों की डाइवर्सिटी अलग अलग है, तो भैया उनकी सीखने की शैलियाँ भी अलग अलग होंगी, उनकी आदतें भी अलग होंगी, उनकी जानकारी प्राप्त करने का तरीका भी अलग होगा। तो कहेंगे सबसे पहला शिक्षार्थी जो हमारा सीखेगा विजुअल तरीके से, दृष्टि अधिगम शिक्षार्थी, जो क्या कहेगा, देख करके चीज़ों को सीखेगा, जैसे चित्रों के माध्यम से, आरेखों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। इसकी विशेषताएं चित्रों और आरेखों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, नोट्स लेते हैं समय, जो कि आपका रंगीन पेन और हाइलाइटर का उपयोग करते हैं, और भैया अध्ययन के लिए क्या करते हैं, फ्लो चार्ट और माइंड मैप का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शिक्षार्थी होंगे जो श्रवण तरीके से सीखेंगे, सुन करके सीखेंगे, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल से सीखेंगे, जैसे लेक्चर के माध्यम से, जैसे कि आप, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से एक दूसरे पर डिबेट करके चीज़ों को सीख रहे हैं। इससे क्या होता है, अधिक लाभ होता है। सुनकर और बोलकर सीखना पसंद करते हैं ऐसे शिक्षार्थी, अध्ययन के दौरान खुद से जोर देते हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और बातचीत में भाग भी लेते हैं। तीसरा होगा आपका रीडिंग और राइटिंग लर्नर, जो शिक्षार्थी पढ़ने लिखने में अधिक लाभ लेगा, पढ़ने लिखने का जिसके पास अधिक लाभ होगा, जो अच्छे माध्यम से बच्चा सीखेगा, पढ़ने में अधिक प्रभावी, नोट्स लेने में, नोट्स लिखने में वो अच्छे से सीखेगा, और पुस्तकों और लेखकों को माध्यम से, नोट्स के माध्यम से बच्चा जानकारी को प्राप्त करेगा। इससे हम लोग संवेदी अधिगम भी कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग भी कर सकते हैं। संवेदी शिक्षार्थी शारीरिक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं, इन्हें प्रयोग, हाथों से काम करना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हम इसमें अधिक लाभ दे सकते हैं। प्रयोगों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं, परियोजनाओं और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से भाग लेते हैं और अध्ययन के दौरान हाथों और शरीर का उपयोग करते हैं। तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से सीखते हैं, सामाजिक अधिगम शैली करते हैं, यानी कि टीम वर्क में सीखते हैं, समूह बना करके सीखते हैं, बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। तो कहेंगे ऐसे बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं और भैया टीम असाइनमेंट बनाते हैं, समूह परियोजना बनाते हैं, इसमें अधिक रुचि लेते हैं। तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 1.3 की। तो कहेंगे निःशक्तता को मानव, यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी की, डिसबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात होगी। निःशक्तता में मानव विविधताएं, निःशक्तता में मानव विविधताएं की बात होगी। आपको पता है भाई, प्रत्येक बच्चा जो हमारा डिसेबल है उसमें डिसेबिलिटी जो है वो अलग अलग है, उसकी काम करने की क्षमता अलग अलग है, उसके अनुभव अलग अलग है, और समाज में क्या है उसकी विविधता भी अलग अलग है। तो ऐसे बच्चे को हम समाज की समावेशिता को बढ़ावा देना और उनकी समानता को बेहतर करना, ऐसे दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है जिसमें भैया समानता और समावेशिता देखने को मिलती है। निःशक्तता को मानव विविधता के एक हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं और समावेशी समाज की हम लोग क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अगर हम जो भी हमारे निःशक्त बच्चे हैं इनको हम समानता दें, समावेशिता दें, सभी जगह पर इनको हम समान अवसर दें, इनको हम पूर्ण भागीदारी दें, संपूर्ण भागीदारी दें, तो ये क्या करेंगे, एक समावेशी समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर सभी लोग इनको समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण इनको मिलेगा, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इनको बढ़ावा मिलेगा। किसी भी कमी को अगर देखते हुए, उसकी निःशक्तता को देखते हुए, उसकी अक्षमता को देखते हुए अगर हम उस बच्चे को योगदान दें, उसकी क्षमता को बढ़ाएं, तो क्या होगा, वो समाज में आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उसको बढ़ावा मिल सकेगा, समाज में क्या कर सकेगा, समाज की मुख्यधारा से वो जुड़ सकेगा और अपना जीवन यापन कर सकेगा। संस्कृति विविधता का भी हिस्सा देखने को मिलता है। कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति जो निःशक्त है उसके जीवन के अनुभव और दृष्टिकोणों को आकार देती है, जो समाज की विविधता को बढ़ाती है और
जो भी सामाजिक सामूहिक समूह है या सोच है इसको विस्तारित करती है। नीतिगत और सामाजिक सुधार देखने को मिलता है। निःसक्तता को मानव विविधता के रूप में मान्यता देती है और नीतियों और कार्यक्रम में सुधार मिलता है जो निःसक्त व्यक्तियों के अधिकारों जरूरतों को संबोधित करता है या शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्थलों की सुलभता में सुधार करता है। निःसक्तता को मानव विविधता के रूप में समाज अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाता है। यह दृष्टिकोण न केवल निःसक्त व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे समाज को लाभकारी बनाता है। जहां पर कोई जरूरी नहीं कि निःसक्त बच्चे ही हैं तभी इनको हम समावेशी कर सकते हैं, निःसक्त बच्चे नहीं भी हैं, निःसक्त व्यक्ति नहीं भी हैं तब भी हम पूरे समाज को यहाँ पर लाभकारी बना सकते हैं, क्योंकि विविधता और समानता के मूल्य को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा और भैया इनको मान्यता मिलेगी, समाज के लिए उसके विकास को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट 1.4 की, तो कहेंगे स्थिरता के लिए विविधता। स्थिरता के लिए विविधता यानी कि स्थिरता के लिए अगर विविधता की बात करते हैं, जहां पर समाज पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकृत किया जाता है, इसमें संतुलन बनाया जाता है, विभिन्न दृष्टिकोण विचार और क्षमताओं का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है और समस्या समाधान किया जाता है। इसमें हम पारिस्थितिक विविधता देखने को मिलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विविधता पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे और जो भी जानवर होंगे एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है और विविधता जलवायु रोग और भैया पर्यावरण समस्याओं से लड़ने में सहायक होती है। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज भैया अपनी 5 जून है, तो याद आ गया पर्यावरण से, आज है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और आप सभी को पता है कि क्या करना है आज के दिन, आज के दिन आप लोगों को पर्यावरण के प्रति एक एक पौधा सभी को समर्पित करना है, सभी को लगाना है। सभी लोग जाइए, एक पौधा खरीदिए अच्छा सा और उसको लगा करके आइए, जब तक उसको बड़ा कीजिए, जब तक उसमें बढ़िया आप छाया ना आपको देने लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने पेड़ हम काट रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पेड़ हमें लगाने की आवश्यकता है। नहीं अगर लगाएंगे तो 4 दिन के बाद जो अपनी ये ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी और भैया उस दिन AC भी नहीं काम करने वाला। तो आपको क्या करना है, सभी को एक एक आज पेड़ लगाना है। बात करते हैं भैया आर्थिक विविधता की, तो कहेंगे आर्थिक विविधता विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमों या उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करती है। अगर मान लीजिए ज़्यादा पैसे हैं तो भाई उद्योग को प्रोत्साहित करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनको प्रोत्साहित करेगी, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आर्थिक संकट के समय क्या करती है, हमें सहनशील बनाती है। मान लीजिए कोई भी आर्थिक संकट हम पर आ भी गया तो हमको क्या करेगी, ये सहनशील बनाएगी, हमको ये बेहतर बनाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें आपके सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता समाज को अधिक समावेशी बनाती है, अधिक सहनशील बनाती है, कि विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमियों और जीवन शैलियों का क्या करती है, समृद्ध सामाजिकरण समस्या को ये बेहतर बनाती है, समस्या समाधान करती है। विचारों में विविधता देखने को मिलती है, जब यह विचारों में विविधता होती है तो हम कहेंगे इसके दृष्टिकोण का समावेशन करना, उसका नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, या समस्या समाधान की प्रक्रिया को समृद्ध बनाता है और नए अनूठे समाधानों को जन्म देता है। स्थिरता के लिए विविधता अनिवार्य है, यह एक संतुलित और सुदृढ़ीकृत समाज की नींव को बेहतर करता है और भैया पर्यावरण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। विविधता का सम्मान प्रोत्साहन हमें एक अधिक समावेशी समृद्ध और समावेशी जो भविष्य है उसको बेहतर बनाता है, उसकी नीतियों को बेहतर बनाता है, दैनिक जीवन की विविधताओं को अपनाना और उसको प्रोत्साहित करना, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें भैया समावेशिता के विविधता की ताकत की, यानी कि स्ट्रेंथ की बात करें, कि जो भी समावेशी शिक्षा दी जाएगी या समावेशन दिया जाएगा उसमें विविधता की क्या ताकत होगी, डाइवर्सिटी की क्या ताकत होगी, क्योंकि डाइवर्सिटी जहां पर सभी धर्म सभी जाति सभी लिंग उनकी क्षमताएं अलग अलग लेकिन वे भैया एक समावेशी समाज को निर्माण कर रहे हैं, वो एक साथ में रह रहे हैं, तो सामाजिक जो संबंध होंगे वो बढ़िया होंगे, वो बेहतर होंगे, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देगी और सामाजिक एकता और सहयोग को मजबूती देगी, नए अनुभव
को बेहतर करेगी, नए अद्भुत विचारों को बनाएगी, जिससे समस्याओं के लिए समाधान लेना और समाज को आगे बनाना बढ़ाना। समृद्ध अनुभव जो है वो बेहतर करेगी। हम कह सकते हैं कि भैया विविधता के आत्मविश्वास, समझदारी और अनुभव का एक बड़ा समृद्ध परिवेश देखने को मिलेगा। आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। समावेशी आर्थिक समाज को बढ़ावा देगा, क्योंकि विभिन्न लोगों का समर्थन और योगदान जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कहेंगे विविधता की ताकत समावेशी समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक समृद्ध समावेशी विविधता को स्वीकार किया जाएगा और समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। विविधता की ताकत को समझकर हमें समाज में समावेशित और समृद्ध समुदाय का निर्माण करना है। इस प्रकार से यूनिट 1.5 भी आपका खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को सभी मित्रों से शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।